अग्निपथ योजना के हिंसा की चिंगारी जमशेदपुर तक पहुंच चुकी है। हालांकि जिला प्रशासन एवं रेल प्रशासन की मुस्तैदी से हालात को काबू में करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि देश भर की तरह लौह नगरी जमशेदपुर में भी केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बेरोजगार युवाओं ने शुक्रवार की सुबह रेल ट्रैक जाम कर दिया। घंटों बेरोजगार युवा रेलवे ट्रैक पर डटे रहे, जिससे लंबी दूरी की कई ट्रेनें जहां तहां फंसी रहीं। करीब 5 घंटे तक जमशेदपुर प्रशासन एवं रेल प्रशासन युवाओं को मनाने और हिंसा का मार्ग छोड़ बातचीत के जरिए अपनी बातों को रखने की अपील करती रही। अंत में प्रदर्शनकारी युवाओं ने जमशेदपुर सांसद तक अपनी बात पहुंचाने की अपील जिले के उपायुक्त के माध्यम से रखी। साथ ही बगैर किसी नुकसान के शांतिपूर्वक तब तक धरना प्रदर्शन करने की बात कही जब तक सांसद धरना स्थल पर पहुंच उनकी समस्या नहीं सुन लेते। जिले की उपायुक्त विजया जाधव ने प्रदर्शनकारी युवाओं की बात जमशेदपुर सांसद तक पहुंचाने की बात कही। बताया गया कि शाम 4 बजे के आसपास सांसद प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलने धरना स्थल पर पहुंचेंगे। हालांकि उपायुक्त को दिए आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी युवाओं ने रेलवे ट्रैक को क्लियर कर दिया। जमशेदपुर उपायुक्त एवं एसएसपी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से शांति एवं विधि व्यवस्था को बनाए रखने की अपील की है। अब सभी की निगाहें सांसद के साथ होने वाली वार्ता पर टिकी हुई है। गवर्नमेंट का अग्निपथ जो योजना है उसके प्रोटेस्ट में ये रेलवे के पटरी पे बैठे हुए थे और कुछ ट्रेन रोकने का या टायर जलाने का एक इंसिडेंट हमारे निदर्शन में आ गया। तुरंत वहाँ पे मैजिस्ट्रेट डिप्लॉय किया गया और पुलिस फोर्स भी सफिशिएंट नंबर में गई है। इन लोगों को समझा के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे लेके आए हैं। इन लोगों के साथ वार्ता हुई है, इन्होंने एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया है। वही है कि एज कम है, 3-4 साल के बाद इनका वापसी के बाद एम्प्लॉयमेंट के क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे और आगे इनका फ्यूचर कैसा रहेगा, इसके लिए काफ़ी चिंतित बच्चे हैं। तो इनका हमने एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया है और हम इसको केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे राज्य सरकार के माध्यम से और ऑनरेबल एमपी साहब से मिलने की इन्होंने इच्छा जाहिर की है। तो हमने एमपी महोदय को भी मैसेज दिया है, उनके यहाँ से जैसे ही समय प्राप्त होता है तो हम इन बच्चों के साथ उनका एक मुलाकात ऑर्गेनाइज कराएंगे ताकि ये अपने भावनाओं को रख सके और ताकि वो बात भी आगे जा सके। बाकी इन लोगों ने भी हमें आश्वासन दिया है कि वो इस तरह की कोई भी तोड़फोड़ की या रेलवे पटरी पे इस तरह की कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स नहीं करेंगे या वो कोई गलत काम नहीं करेंगे, ये भी आश्वासन उन्होंने दिया है। एक नेशनल प्रोटेस्ट था इसलिए उन्होंने वहाँ पर इस तरह से धरना प्रदर्शन किया। अग्निवीर पॉलिसी के विरोध में कुछ जो जवान के भर्ती के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो लोग आए हैं करीब 100-150 के आसपास में, तो वो लोग वहाँ पर ट्रेन को रुकवाएं थोड़ी देर के लिए और वहाँ पर जब अपना फोर्स वगैरह गया है वहाँ पर वार्ता हुआ। वार्ता का उनको कहना था कि हम लोगों का जो है 4 साल में नौकरी लेके फिर वापस किया जा रहा है, उस चीज़ को पॉलिसी को वापस करने के लिए। इसके बाद जब उनसे बात हुई, बात होने के बाद वो लोग ये बताए थे कि जिला प्रशासन से हम लोग मिलेंगे और मेमोरेंडम देंगे। तो अब ये लोग जुगसलाई थाना में इनको बुलाया गया था, डीसी और हम लोग सब लोग इसमें इन लोग से वार्ता किए और इन लोग का डिमांड था जो भी उन्होंने लेटर में लिख के दिए और माननीय सांसद महोदय भी इन लोग से मिलने के लिए आश्वासन दिए हैं आज शाम में। तो उसके बाद ये लोग अपना घर जा रहे हैं और शाम में। जमशेदपुर से न्यूज विंग के लिए गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।